विदिशा में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले तीन दिन से जहां बादल छाए हुए हैं, आज सोमवार को जिले में घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरा इतना अधिक था कि 10 फीट दूरी तक के वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को विदिशा में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान दृश्यता महज 20 मीटर की रही। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग प्रतिदिन की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक में लगे हुए हैं। वहीं लोगों ने बताया कि कोहरा बहुत अधिक है, लेकिन ठंड इतनी अधिक नहीं है। घने कोहरे के बीच लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत वाहन चालकों को हुई। कोहरे के चलते वाहन की रफ्तार कम देखी गई और वाहन चालकों को वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सुबह स्कूल जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 10:30 बजे के बाद सूरज निकलने के बाद कोहरा छटना शुरू हुआ था। मौसम विभाग की माने तो 25 और 26 जनवरी को बारिश का अनुमान है, जबकि आगामी 24 घंटों में छुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौजूदा मौसम के बदले हुए रुख को देखकर किसानों को भी बारिश होने की उम्मीद है। कोहरे और बादलों की वजह से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। सर्दी तो है नहीं है और कोहरा तेज है, तो इतना खूबसूरत मौसम है। कोहरा बहुत है लेकिन ठंड कम है। घूमने वाले बढ़िया घूम रहे हैं, सारे दोस्त पूरा ग्रुप इस मौसम का मजा ले रहा है और बहुत ही सुहाना मौसम है।